हेलो एवरीवन, दिस इज विनोद कुमार वर्मा एंड यू आर वाचिंग मधुबन बी की इंग्लिश क्लासेस। वंस अगेन आई एम हियर विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टुडे। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर रिलेटेड टू गॉड। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड ट्राई टू गेट एडवांटेज फ्रॉम दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं और ये क्लास 10th का लिया गया है, चैप्टर रिलेटेड टू गॉड से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन, हु रॉट अ लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र किसने लिखा। लेंचो, पोस्टमैन, पोस्टमास्टर, नन ऑफ दिस। तो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, लेंचो। ओके, लेंचो ने लिखा था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर टू, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है। हु हैज़ रिटन द स्टोरी अ लेटर टू गॉड, जो कहानी अ लेटर टू गॉड है ये किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, किसने लिखा ये कहानी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जी एल फैंटीज, रस्किन बॉन्ड, नन ऑफ दीज। तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, जी एल फैंटीज हैज़ रिटन दिस स्टोरी अ लेटर टू गॉड। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर थ्री, ओके, व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा। ओके, बिकॉज हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड बाय द हेलस्टोन्स, क्योंकि उसके फसल जो थे हेलस्टोन्स के द्वारा बर्बाद हो गए थे। टू आस्क फॉर हिज हेल्प, उसकी मदद मांगने के लिए, यानी कि गॉड की मदद मांगने के लिए। टू आस्क फॉर 100 पैसोज मांगने के लिए, ऑल ऑफ दीज। तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। ओके, डी जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी उसमें। ठीक है, सी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर क्या कहता है। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर फ्रॉम गॉड, लेंचो ने भगवान से कितने पैसे मांगे थे। 70 पैसोज, 50 पैसोज, 100 पैसोज, नन ऑफ दीज। तो बताइए विच वन विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, 100 पैसोज। ही हैड आस्क फॉर 100 पैसोज फ्रॉम गॉड, उसने भगवान से 100 पैसोज मांगे थे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर फाइव। देखिए क्वेश्चन फाइव क्या कहता है। वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर जो है वो कहाँ स्थित था। ऑन द करेस्ट, देखिए क्या कहता है, ऑन द करेस्ट ऑफ अ होगा, ठीक है, ऑन नहीं होगा, अ माउंटेन, पहाड़, पहाड़ की चोटी के ऊपर। ऑन द करेस्ट ऑफ अ लो हिल, एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी के ऊपर। ऑन द करेस्ट ऑफ अ बिग रॉक, एक बड़ा सा चट्टान के करेस्ट यानी चोटी के ऊपर। नन ऑफ दिस। तो बताइए कौन सा होगा राइट आंसर स्टोरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अ स्टोरी। यू हैव टू पिकअप द आंसर अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, दैट मीन्स वट यू हैव स्टडीड इन द स्टोरी, जो आपने कहानी में पढ़ा है वो आपको करेक्ट आंसर पता करना है। ठीक है, तो हियर ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑन द करेस्ट ऑफ अ लो हिल, एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर स्थित थी, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज, पृथ्वी को एक चीज़ यानी धरती को एकमात्र चीज़ चाहिए था वो क्या था। मनी, डाउनपोर, आइस, सीट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, डाउनपोर, एक बौछार बोल सकते हैं ना, मूसलाधार बारिश या बौछार कह सकते हैं, है ना, हल्की फुल्की भी, थोड़ा सा पानी की दरकार थी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कहता है। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो ने किस चीज़ की आशा की थी, उम्मीद की थी। मनी की, लेटर की, रेन की, नन ऑफ दीज। तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। ओके, रेन, रेन की उम्मीद की थी उसने, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट क्या कहता है। दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, हु सैड दिस, ये किसने कहा था कि दिस आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आकाश से गिरते हुए वर्षा की बूंदे नहीं है। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। ठीक है, वे क्या हैं, नए सिक्के हैं। हु सैड दिस, ये किसने कहा था। लेंचो, लेंचोज सन, लेंचोज वाइफ, नन ऑफ दिस। तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, लेंचो ने कहा था ये सेंटेंस। ठीक है, ये लेंचो ने बोला था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन क्या कहता है। लेंचोज क्रॉप्स वर टोटली डिस्ट्रॉयड बाय द, लेंचो का जो फसल था वो टोटली पूर्णतः बर्बाद हो गया था, किसके द्वारा। एलिफेंट के द्वारा, लॉकस्ट के द्वारा, हेलस्टोन्स के द्वारा, रेन के द्वारा। तो बताइए कौन होगा राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। ओके, हेलस्टोन्स, हेलस्टोन्स ने बर्बाद किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर टेन, लेंचो हैड कंप्लीट फैथ इन, लेंचो का पूरा भरोसा था, विश्वास था, किस पर। गॉडेस पर, गॉड पर, पोस्टमास्टर, पोस्टमैन। बताइए विच वन विल बी द राइट आंसर। यस, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, गॉड, भगवान पर उसे भरोसा था। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 11। ओके, क्वेश्चन 11 क्या है। पोस्ट मास्टर वाज, पोस्ट मास्टर थे, कैसे थे। अ क्रूअल फैलो, एमिएबल फैलो, एन ऑनेस्ट पर्सन, नन ऑफ दीज। तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन
बी ओके एमिएबल फैलो थे। एमिएबल मीन्स क्या होता है, सद्भाव वाले, ठीक है, वो क्रूएल फैलो नहीं थे, एन ऑनेस्ट मैन भी अकॉर्डिंग टू द स्टोरी नहीं होगा। आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा बी, ठीक है। क्वेश्चन 12, लेट्स सी क्वेश्चन 12, देखिए क्या कहता है। हु रेड द लेटर, पत्र को किसने पढ़ा था, पोस्टमैन, पोस्ट मास्टर, एम्प्लॉयज, नन ऑफ दिस। तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, पोस्ट मास्टर रेड द लेटर गिवन टू हीम बाय द पोस्टमैन, पोस्टमैन ने उसको दिया और उन्होंने जो है पढ़ा था, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई वाज लेंचो सॉल फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा उदासी से क्यों भर गई थी। बिकॉज हिज कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, क्योंकि उसके जो फसल थे वो पूर्णतः बर्बाद हो गए थे। बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज मनी, क्योंकि उसने अपना पैसा खो दिया था, यानी उसके पैसे खो गए थे। बिकॉज हिज सन डाइड, क्योंकि उसका बेटा मर गया था। नन ऑफ दिस। तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, ओके, क्योंकि उसकी फसल जो है पूर्णतः बर्बाद हो गए थे, दैट्स वाई ही वॉज वेरी सैड, ओके। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। लेंचो हैज़ कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स टू, लेंचो ने रेन ड्रॉप्स की तुलना की है, किससे की है, वर्षा की बूंदों की तुलना किससे की है, पल्स से, मोतियों से, न्यू कॉइन्स नए सिक्के से, गोल्ड से, सोने से, नन ऑफ दिस। तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, न्यू कॉइन्स, ओके, नए सिक्के से तुलना की है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 15, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, लेंचो का किस पर भरोसा था, विश्वास था, पोस्टमास्टर, पोस्टमैन, गॉड, नन ऑफ दिस। तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ओके, गॉड, गॉड पर उसका भरोसा था, ठीक है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। हु बिकेम एंग्री आफ्टर काउंटिंग द मनी, पैसा गिनने के बाद कौन जो है क्रुद्ध हो गए, गुस्से में आ गए, लेंचो, पोस्टमैन, केसियर, पोस्टमास्टर। तो बताइए कौन सा होगा सही आंसर, ओके, आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, लेंचो। लेंचो बिकेम वेरी एंग्री आफ्टर काउंटिंग द मनी, जब पैसा उन्होंने गिना बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए, क्यों, बिकॉज ही हैड आस्क फॉर 100 पैसोस फ्रॉम गॉड बट ही ओनली गॉट 70 पैसोस, क्योंकि उन्होंने भगवान से 100 पैसोस मांगे थे लेकिन उसे 70 पैसोस ही मिले। उनको लगा कि बाकी के जो पैसे थे वो रख लिए थे एम्प्लॉयज, कहाँ के, पोस्ट ऑफिस के, इसलिए वो गुस्से में आ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव, कितने पैसे प्राप्त हुए, लेंचो को कितने पैसे प्राप्त हुए, 100 पैसोस, 30 पैसोस, 50 पैसोस, 70 पैसोस। तो देखिए स्टोरी अगर आप पढ़े होंगे अच्छे से तो आपको पता होगा ही गॉट ओनली 70 पैसोस, उन्हें जो है 70 पैसोस ही मिला था, है ना, 70 पैसेस। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। हु वर अ बंच ऑफ क्रुक्स, कौन जो थे वो बंच ऑफ क्रुक्स थे, यानी कि बेईमानों के समूह थे, कौन, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, यानी कि पोस्ट ऑफिस के जितने भी कर्मचारीगण थे वे लोग, फैक्ट्री एम्प्लॉयज़ यानी फैक्ट्री के एम्प्लॉयज़ कर्मचारीगण, बैंक एम्प्लॉयज़, नन ऑफ दिस। तो हियर आवर राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द स्टोरी विल बी ए, ओके, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। फील्ड वॉज कवर्ड, कवर्ड नहीं होगा यहाँ, वाइट होगा, ठीक है, द फील्ड वॉज वाइट, ठीक है, फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ ब्लैंक, फील्ड जो है खेत पूरा सफ़ेद हो गया था, ऐसा लग रहा था मानो कि वो ढक दिया गया हो, किससे, सॉल्ट से, मिल्क से, आइस से, नन ऑफ दिस। तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, ओके, सॉल्ट, नमक से ढक दिया गया हो, है ना, एकदम पूरा सफ़ेद लग रहा था, तो यहाँ कवर्ड नहीं होगा, ठीक है, वाइट होगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 20, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। अ प्लेग ऑफ लॉकर्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द ब्लैंक हैज़ लेफ्ट नथिंग, यहाँ हो सकता है बट होगा, ठीक है, बट ब्लैंक, यहाँ लिख दीजिएगा बट ब्लैंक, है ना, बट द ब्लैंक हैज़ लेफ्ट नथिंग, यानी कि क्या कहा, देखिए, ए प्लेग ऑफ लॉकस्ट, अगर एक टिड्डी दल भी आता ना तो वो इससे कुछ ज़्यादा ही छोड़ जाता, लेकिन कहता है कि ब्लैंक हैज़ लेफ्ट नथिंग, इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, मतलब रैन ने, कैटल ने, हेल ने, नन ऑफ दिस, मतलब किसने कुछ भी नहीं छोड़ा। तो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, हेल, जो ओले थे, ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, ऐसा कहा लेंचो ने कि अगर एक टिड्डी दल आता ना तो वो कुछ ना कुछ जरूर छोड़ जाते हमारे लिए, सारा फसल वो नहीं खाते, बर्बाद नहीं करते, लेकिन इस हेल यानी कि जो ओले थे, है ना, इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, कंप्लीट बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो ये था हमारा आज का 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑल दिस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।